नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। करिश्मा आपने बहुत सुना होगा और आज हम एक ऐसी करिश्मे की बात कर रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर जो है वो बिहार से निकल के आई है। जी हाँ, बिहार के नवादा एक्सटेंशन के पास से, राजौली के पास जो है, वहां पर एक डैम से, जो एक्सटेंशन का डैम है चंदौली डैम से, वहां पर 30 साल पुरानी मस्जिद जो है पानी के अंदर से बाहर निकली है। जी हाँ, एक बड़ी खबर जो है बिहार से निकल। देखिए, बिहार में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक और कुछ ना कुछ जो है चमत्कारी होता ही रहता है। अभी बिहार के जमुई में जमीन के अंदर करोड़ों रुपए का सोना मिलने की जो है बात कही गई थी, उसके बाद अब जो है 30 साल बाद जो है डैम से मस्जिद निकला। हैरत की बात यह है कि 30 साल के तक पानी के अंदर रहने के बावजूद भी मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मस्जिद एकदम सही सलामत है और मस्जिद का अंदर का हिस्सा भी एकदम से सही सलामत है। बीच में कादो और कीचड़ होने की वजह से लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मस्जिद तक, लेकिन फिर भी दूर से नज़ारे को देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है दूर से वो मस्जिद लग रहा है। हमने वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मस्जिद का कितनी खूबसूरत तस्वीर जो है वहां पर, और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और इस पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद जो है 120 साल पुरानी है और 30 साल पहले ये मस्जिद जो है डैम के अंदर डूब गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से चमत्कार हुआ है और मस्जिद पानी से बाहर आ गई है। और मस्जिद को देखने के लिए डैम के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। मस्जिद के निकलते ही जो ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग जो है देखने के लिए पहुंच गए और लगातार लोग वहां पर देखने के लिए मस्जिद को पहुंचे हुए हैं, फोटोज ले रहे हैं, वीडियोज ले रहे हैं। लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि एक ऐतिहासिक, एक चमत्कारी चीज जो है बिहार में एक बार हुई है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।